हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज़। दोस्तों, आज की फिल्म है मेमोरी ऑफ वाटर। ये एक डिस्टोपियन सर्वाइवल फिल्म है। आज से करीब 80 साल बाद हम एक स्कैंडिनेवियन यूनियन नाम की जगह को देखते हैं। किसी एनवायरनमेंटल डिजास्टर की वजह से पानी का नामो निशान अर्थ से ख़त्म हो चुका है। सभी जीव जंतु विलुप्त हो गए। अब दुनिया में पीने को साफ पानी नहीं, साफ पानी लगभग ख़त्म हो चुका है। अब जो बचा हुआ पानी है उस पर मिलिट्री का कंट्रोल है। एक तरह से उनकी वहाँ तानाशाही चलती है। अगर कोई भी पानी चोरी करते हुए पकड़ा गया, उसे सजा दी जाती थी, यानी उसे मार दिया जाता। उसी विलेज में एक लड़की रहती है, नोरिया, जिसके पिता की कल ही मृत्यु हो गई। उसके पिता एक टी मास्टर थे। उसकी दोस्त संजय भी वहाँ आई थी, जिसकी एक बेटी है मिंजा। आज नोरिया की माँ भी उससे मिलने आई है, जो कि शहर के यूनिवर्सिटी में एक रिसर्चर है। मिलिट्री से उनका पूरा फैमिली कनेक्शन है। पति के मरने का दुख उसकी माँ लियान को भी था। उसकी माँ ने उसे अपने साथ शहर चलने को कहा, यूनिवर्सिटी चलकर वो अपनी माँ के काम में मदद करे। पर नोरिया का कहना था वो यहाँ भी रुककर अपनी रिसर्च कर सकती है। इस बात का जवाब उसकी माँ के पास नहीं। वहाँ उसके पिता की एक ख़ास किताब थी, रेसिपी ऑफ टी मास्टर बुक। वो चाहते थे कि मरने के बाद ये किताब नोरिया को दे दी जाए। नोरिया भी टी मास्टर बनना चाहती है, क्योंकि ये काम उसके वंशज काफ़ी पहले से करते आ रहे हैं, इसलिए वो यहीं रहकर अपने पिता के काम को जारी रखेगी। दूसरे दिन हम नोरिया को कहीं जाते हुए देखते हैं। वहाँ हर वक्त मिलिट्री और ड्रोन्स पेट्रोलिंग पर होते थे, ताकि कोई भी उनकी नज़रों से बच ना सके। जाते वक्त उसने देखा कि एक शख्स को पानी की चोरी करते हुए पकड़ लिया गया है। उसके घर के बाहर उन्होंने एक रेड सर्कल पेंट कर दिया। वो सिर्फ 500 ml वाटर था। उस शख्स को देख नोरिया को काफ़ी दुख हुआ। वहाँ से वो अपनी फ्रेंड संजय के घर आई। ये वही महिला है जो नोरिया के पिता के फ्यूनरल पर आई थी। वहाँ वो अपनी बेटी मिंजा के साथ रहती है, साथ ही उसका बॉयफ्रेंड भी है, मिकोवा। दोनों रिलेशन में हैं पर शादी नहीं की। वहाँ नोरिया ने देखा संजय पानी की चोरी में लगी थी। ये वही आर्मी वाटर पाइपलाइन थी जो हर एक के घर में आई थी, पर हफ्ते में उन्हें 2 से 3 बार ही पानी दिया जाता, जो कि उनके लिए पर्याप्त नहीं था। यहाँ तक कि वो पानी भी साफ नहीं होता। हर किसी को पानी फिल्टर करके पीना होता था। संजय कोशिश में लगी थी पर वो काम मुमकिन नहीं था। पर नोरिया को उसका ऐसा करना गलत लगा, क्योंकि अगर आर्मी को पता चला तो वो उसे मार देंगे, साथ ही उसकी बेटी को भी। संजय ने कहा उसे भीख वाली ज़िंदगी जीना पसंद नहीं। संजय ने देखा नोरिया के पास एक डिस्क है। नोरिया ने बताया मरने से पहले उसके पिता ने उसे याद के तौर पर दिया था। उसने नोरिया को मिंजा का ख्याल रखने को कहा और संजय वहाँ से बाहर चली गई। वो बाहर वेस्ट स्क्रैप्स को इकट्ठा करने का काम करती है। जो उसे उसमें अपने ज़रूरत का लगे उसे ले लेती थी। उसे जोड़ तोड़ कर वो अपने ज़रूरत में ले आती थी। वहाँ उसे एक टूटा हुआ CD प्लेयर मिला। शायद वो इसे ठीक कर सकती है। यहाँ नोरिया ने देखा मिंजा की तबीयत बिगड़ रही है। उसके पेट में जोर का दर्द उठ रहा था। वो उसे वहीं पास के ट्रीटमेंट सेंटर लेकर गई। वहीं सेंटर में बैठे एक शख्स ने नोरिया से पानी मांगा। वो शख्स जैसे ही बॉटल लौटाने गया, एक लड़की उस बॉटल को छीनकर भागने लगी। तभी मिलिट्री ने उसे पकड़ लिया। लोग इतने पागल थे, वो पानी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यहाँ हमें एक ब्रॉडकास्ट सुनाई देता है कि बारिश का जमा किया हुआ पानी ना तो पीने योग्य है और ना ही उससे खेती की जा सकती है, जब तक कि उस पानी को प्रॉपर फिल्टर न किया जाए। यहाँ हम देखते हैं हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मिंजा का इलाज करने से मना कर दिया। उसने बताया कि उसे क्लीन वाटर की ज़रूरत है। अगर उसने ये गंदा पानी पीना जारी रखा तो हालत और बिगड़ सकती है। उसने कहा पानी को बॉइल करो और न्यू फिल्टर ले लो, पर संजय नया फिल्टर नहीं अफोर्ड कर सकती। इस पर डॉक्टर ने भी अपने हाथ ऊपर कर लिए। वहीं मिलिट्री का हेड भी है, मेजर बॉलिन, जो कि नोरिया के परिवार को काफ़ी पहले से जानता है। वहाँ और लोगों को पानी चोरी के जुर्म में पकड़ कर ले जाया जा रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि पकड़े गए लोगों को वो बाहर लॉस्ट लैंड में छोड़ देते थे, जहाँ वो भूख प्यास से ऐसे ही मर जाते थे। इस पर मिंजा ने पूछा क्या वो भी मर जाएगी, पर इसका जवाब बॉलिन के पास नहीं था। बॉलिन नोरिया को बताता है कि वो ग्रेजुएट होने जा रही है। जैसा कि हम जानते हैं, उसे अपने पिता की तरह टी मास्टर बनना है। उसके बाद नोरिया और संजय वहाँ से चले गए। वो घर आई, उसने देखा उसकी माँ वापस यूनिवर्सिटी जाने के लिए अपना सामान पैक कर रही है। पर उसकी माँ को लगता है नोरिया को शहर जाकर पढ़ाई पूरी करनी चाहिए, पर नोरिया को नहीं लगता। उसकी माँ ने उसे एक बॉक्स दिया जो कि लॉक था।
ये बॉक्स उसके पिता ने नोरिया को देने को कहा था। उसमें एक लेटर और एक नक्शा था। उस लेटर में लिखा था, जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ इसका जिक्र भूल कर भी किसी से मत करना। शायद उसके पिता किसी राज का जिक्र कर रहे थे जो सिर्फ उन्हें पता था। नोरिया डूबते हुए सूरज की तरफ देख सोच रही थी कि वो राज आखिर क्या हो सकता है। शायद उस नक्शे पर पहुँचने पर पता चलेगा। शाम वो घर आई। उसकी माँ जाने को तैयार थी, पर नोरिया के मन में कई सवाल थे। नोरिया के कुछ कहने से पहले ही उसकी माँ ने उसका पॉड लेकर बंद कर दिया। पॉड एक तरह का डिवाइस है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, पर वो काफ़ी एडवांस डिवाइस है। उसके मल्टीपल यूजेस हैं, जिससे पानी की प्योरिटी भी चेक की जा सकती है। उसकी माँ ने कहा, इस मैप में जो जगह है वो एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि ऐसी कोई जगह नहीं है। उसकी माँ ने आगाह किया कि इसका जिक्र भूल कर किसी से मत करना और सोल्जर्स को इस बारे में पता ना चले, वरना तुम्हारी जान भी जा सकती है। यहाँ पता चलता है कि उसके पिता ने उस लेटर में जिस जगह का जिक्र किया है वहाँ ढेर सारा साफ पानी है। उसकी माँ ने बताया, ये सिर्फ एक कहानी है और कुछ नहीं, पर नोरिया को यकीन है उसके पिता ने कुछ सोच समझकर ही उसे ये दिया है। उसके बाद उसकी माँ वहाँ से चली गई। रात होते ही नोरिया उस नक्शे को फॉलो करते हुए निकल गई। जंगलों के बीच उसे एक केव दिखाई दिया, वो काफ़ी भीतर तक था। भीतर जाने के बाद वो एकदम दंग रह गई। भीतर ढेर सारा इकट्ठा पानी था। उसने हाथों से छू कर देखा, बिल्कुल साफ पारदर्शी। ये देख वो काफ़ी खुश हुई। उसके पिता के बाद शायद वो ऐसी पहली है जिसे इस जगह की जानकारी हुई। वो अपने बॉटल में वहाँ से पानी भर कर लेकर गई। सुबह टी मास्टर की परीक्षा थी। उसके घर तीन लोग आए थे, एक महिला थी, मेजर बॉलिन और एक सोल्जर तारो, सभी बैठे थे। नोरिया ने अपना काम शुरू किया। उसने कुछ पत्तियां ली और वहां से लाया हुआ बॉयल वाटर मिलाया। सब उसे पीकर काफ़ी खुश हुए। शायद उसके पिता के टी मास्टर होने का एक राज उस केव का पानी भी था। बॉलिन ने बताया, मिस्टर तारो यहां वाटर शॉर्टेज की समस्या को सुलझाने आया है। कुछ दिनों में वहां एक सेरेमनी भी है। तारो को देख नोरिया मुस्कुराई, फिर वो वहां से चले गए। भीतर जाकर नोरिया काफ़ी खुश हुई क्योंकि उसे पानी का काफ़ी बड़ा सोर्स मिल गया था। वो रात छिपकर वहाँ फिर गई और केव में जाकर दो बॉटल पानी भरी। साथ ही उसने उस लेटर और नक्शे दोनों को जला दिया ताकि कोई और यहाँ तक ना पहुँच पाए। दूसरे दिन वो संजा के घर गई। संजा वहाँ पानी को फिल्टर करने में काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी क्योंकि मिंजा की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। नोरिया ने मिंजा को वो पानी पीने को दिया। मिंजा को पीते ही पता चला कि इसका स्वाद काफ़ी अलग है। नोरिया ने उसे इसका जिक्र किसी से भी नहीं करने को कहा, यहाँ तक कि उसकी माँ संजा को भी नहीं। यहाँ संजा ने पानी फिल्टर करके चेक किया, पर पानी अब भी प्योर नहीं था और नया फिल्टर वो अफोर्ड नहीं कर सकती। यहाँ नोरिया देखती है मिंजा सीडी प्लेयर के साथ खेल रही है, जिसे संजा ले आई थी। नोरिया ने उसमें अपने पिता की दी हुई सीडी लगाई। वो किसी और द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। किसी साइंटिस्ट की आवाज़ उसमें थी कि इस सीडी को आर्मी के हाथ मत लगने देना। वो जेनसन एक्सपेडिशन से साइंटिस्ट का एक ग्रुप था। वो दो शहरों के पानी पर रिसर्च पर लगे हैं, पर कुछ लोग नहीं चाहते कि सच बाहर आए। सोल्जर्स उनके पीछे लगे हैं। उन्होंने सभी साइंटिस्ट को मार दिया, बस वो दो लोग छिपे हुए हैं। टी मास्टर ने उन्हें पावर प्लांट से ढूंढा था और वो उन दोनों साइंटिस्ट की छिपने में मदद कर रहे थे, यानी कि नोरिया के दादाजी। अब यहाँ पता चला कि ये सीडी कई सालों पुरानी है। ये नोरिया के दादाजी ने उसके पिताजी को दिया था और उसके पिता ने नोरिया को। शायद ये तब रिकॉर्ड किया गया था जब 70 साल पहले ये सब शुरू हुआ। पर वो सीडी अधूरी थी। उसमें कुछ भी साफ नहीं कि उन्होंने पानी के रिसर्च में क्या पाया और वो कौन थे जो साइंटिस्ट को मार रहे थे। यहाँ एक साथ कई सवाल खड़े हो गए। पर यहाँ नोरिया को कुछ कुछ समझ आ रहा था कि उस केव वाटर का पता उन साइंटिस्ट को भी था। शायद उन साइंटिस्ट को जिसने छिपा कर रखा था वो नोरिया के दादाजी थे। और इस सीडी को नोरिया के पिता ने भी कभी नहीं सुना। उसके दादाजी के बाद से नोरिया पहली ऐसी है जिसने इस सीडी को सुना है। पर यहाँ भी नोरिया संजा को केव वाटर के बारे में कुछ नहीं बताती। वहाँ से वो बाहर आई, पर अब सभी चीज़ों को देखने का उसका नज़रिया बिल्कुल बदल चुका है। रात वो सभी सेरेमनी में आए थे, उसके साथ संजा भी थी। वहाँ संजा ने इच्छा जताई कि काश वो कभी किसी जानवर को देख पाती, क्योंकि कई सालों पहले वाटर शॉर्टेज के बाद कुछ जानवर खुद मर गए और कुछ को मार दिया गया। पर ये अच्छी बात है कि उसने किसी जानवर को देखा नहीं, तो उसकी कोई याद भी नहीं है।
वहाँ डांस करते वक्त तारो नोरिया से मिला। शायद नोरिया को लगता है कि इस मामले में तारो उसकी मदद कर सकेगा। तारो आज दूसरी बार नोरिया से मिल रहा है। नोरिया ने पूछा, तुम आखिर यहाँ क्यों आए हो? उसने बताया कि कुछ चीज़ों को बदलने। उसे लगता है कि पानी हर किसी का हक है, पर नोरिया ने उसे केव वाटर के बारे में कुछ नहीं बताया। अब उसे कहीं ना कहीं लगने लगा कि तारो और उसकी सोच काफ़ी मिलती है। पानी चोरी के मामले और क्राइम दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि सरकार ने पानी में कटौती कर दी है। अब आर्मी पानी हफ्ते में सिर्फ एक बार देगी। यहाँ नोरिया ने उसे अपने बैग से एक बॉटल पानी निकाल कर दिया, पर संजय को लगता है ऐसा करने से नोरिया को दिक्कत होगी। पर नोरिया उसे बता नहीं रही कि उसे पानी का सोर्स मिल चुका है। यहाँ रात नोरिया काफ़ी सोच में बैठी थी, सीडी में कई बातों के बारे में सोच रही थी। उसने वर्ल्ड मैप में उन दो जगह के बारे में सर्च करके देखा, पर वो दोनों जगह असल दुनिया में मौजूद नहीं, शायद इतने सालों में नाम बदल दिए गए हो। उसने अपने पिता की रखी हुई बुक्स को निकाल कर पढ़ा, शायद उसमें कुछ पता चल जाए। उसमें बस इस बात का जिक्र था कि उसके दादाजी उन साइंटिस्ट से मिले थे और उसके दादाजी ने उन दोनों को एक टूटे हुए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में छिपाया था। यहाँ अपनी बेटी की बिगड़ती तबीयत से संजय काफ़ी परेशान है। पानी की खपत इतनी बढ़ रही है क्योंकि हर साल टेम्परेचर एक डिग्री से बढ़ रहा था। नोरिया उसी प्लांट में गई, शायद वहाँ उसे कुछ पता चल जाए। वहाँ कुछ चीज़ों से उसे पता चला कि वो साइंटिस्ट यहाँ रह चुके हैं। वहाँ एक टूटी सीडी भी थी। तभी वहाँ तारो आ गया। वो वहाँ नोरिया का पीछा करते हुए आया था। उसके पूछने पर नोरिया ने उसे झूठ कह दिया कि वो अपने फ्रेंड संजय के लिए स्क्रैप इकट्ठा कर रही थी। पर ऐसा लगता है जैसे तारो काफ़ी कुछ जानता है और वो जानबूझकर नोरिया का पीछा कर रहा है। यहाँ उसने बताया कि उसके पिताजी को सोल्जर्स ने मार दिया था, शायद वो पानी की चोरी करते हुए पकड़ा गए थे। यहाँ पता चला कि तारो कोई सोल्जर नहीं, वो सरकारी विभाग से पानी की खपत को रोकने के लिए भेजा गया है। यहाँ दोनों नोरिया के घर पहुँचे। उसने देखा कि वहाँ मेजर बॉलिन उसके घर की सर्च कर रहा है। उन्हें खबर मिली थी कि नोरिया लोगों को पानी बांट रही है। उसके रोकने पर एक सोल्जर्स उसे धक्का दे देता है, क्योंकि पूरा कंट्रोल मिलिट्री के हाथ में था, वो जो चाहे वो करे। पर उन्हें उसके घर में कुछ मिला नहीं। तारो ने बॉलिन से कुछ बात की, उसके बाद बॉलिन अपनी आर्मी लेकर वहाँ से चला गया। घर का सामान बिखरा पड़ा था, सब कुछ उसने ठीक किया। रात वो संजय के घर गई। वहाँ उसने देखा मिकोवा ने आर्मी ज्वाइन कर ली है। इसकी परमिशन उसे संजय ने खुद दी, क्योंकि सोल्जर्स को ज़्यादा पानी मिलता है और संजय हफ्ते में एक दिन के पानी से गुजारा नहीं कर सकती। पर इस बात से संजय भी खुश नहीं, क्योंकि वो मिलिट्री से नफरत करती है। उसने नोरिया से बताया उसकी बेटी संजय सर्वाइव नहीं कर पाएगी। नोरिया रात ही छिपते हुए उसे अपने साथ जंगल में लेकर गई, क्योंकि अब वो संजय से और नहीं छिपा सकती। वो उसे उसी केव में ले गई। इतना सारा पानी देख संजय के होश उड़ गए, पर उसे खुशी नहीं, क्योंकि इतने दिनों तक नोरिया ने उससे ये बात छिपा कर रखी। नोरिया ने उसे बताया कि ये बात उसे उसके पिता के मरने के बाद पता चली। वहाँ दोनों की बहस के दौरान टॉर्च नीचे गिर गई और रोशनी में उन्हें कुछ दिखाई दिया। वो साइंटिस्ट इसी जगह रुके थे। वहाँ उन्हें एक सीडी मिली जिसपे काफ़ी धूल जमी थी। ये देख वो काफ़ी खुश हुई। घर जाकर उन्होंने उसे प्ले किया। सोल्जर्स अब भी उन दोनों साइंटिस्ट की तलाश कर रहे हैं। इसे रिकॉर्ड करने के लिए वो ओल्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। शायद सोल्जर्स इसे डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, जैसा कि उन्होंने किताबों और कंप्यूटर्स के साथ किया। उन्होंने इतिहास को ख़त्म कर दिया ताकि वो फ्यूचर को कंट्रोल कर सके। 8 मिलियन से ज़्यादा लोग किलर बैक्टीरियम की वजह से मारे गए। उन्होंने इसे पानी में जानबूझकर मिलाया था। एनवायरमेंटल डिज़ास्टर जैसी कोई भी चीज़ नहीं हुई थी। नॉर्थ लॉस्ट लैंड्स में काफ़ी पानी है जो हर किसी की ज़रूरत पूरी कर सकता है। वो साफ़ और पीने योग्य है। उसके बाद वो रिकॉर्डिंग ख़त्म हो गई। नोरिया ने कहा, हम इस डिस्क को यूनिवर्सिटी में लेकर चलेंगे, शायद वहाँ किसी को पता हो कि इसका क्या करना है। अगर सरकार ये बात लोगों से छिपा रही है तो इसका पता लोगों को ज़रूर चलना चाहिए। वो केव वाटर का जिक्र किसी से नहीं कर सकती, क्योंकि अगर आर्मी को पता चला तो वो उसे मार देंगे। नोरिया ने उसे साथ आने को कहा, पर संजय ये नहीं करना चाहती। दूसरे दिन उसने अपनी माँ को वीडियो कॉल पर बताया कि उसके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो सब कुछ बदल देगा, पर उसकी माँ ने सुनने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि कौन इस वक्त उनकी बातें सुन रहा हो।
तभी उसके दरवाजे पर एक दस्तक हुई। उसकी माँ ने उससे सावधान रहने को कहा। दरवाजे पर तारो था। यहाँ बात करते वक्त तारो ने बताया कि बॉलिन जैसा दिखता है वैसा है नहीं। उसने बताया कि मेरे पिता भी पानी की देखभाल करते थे, पर किसी दिन उनकी चोरी का पता अथॉरिटी को लग गया और उन्होंने पिता को मार दिया। पर जब उसने पहली बार नौरिया की टी पी तो उसे पता चला कि ज़रूर ये पानी किसी ऐसी जगह का है जो कोई नहीं जानता। यहाँ नौरिया थोड़ी सावधान हो गई, पर वो तारों की तरफ खींची चली जा रही थी। उसने खुद को रोकने की काफ़ी कोशिश की, पर उन आँखों की गहराई उसे अपनी तरफ खींचने लगी। काफ़ी पूछने पर भी नौरिया ने उसे कुछ नहीं बताया। एक बार को सोचा कि उसे बता दूँ, पर उसने थोड़ा वक्त लेना सही समझा। यहाँ दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। दोनों अपने अंदर एक राज दबाए बैठे थे। तभी उसे मिकोवा का मैसेज आया। उसने नौरिया को अर्जेंट घर पर बुलाया था। वहाँ जाने पर पता चला संजा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। नौरिया ने दरवाज़ा तोड़ दिया। हम देखते हैं संजा की बेटी मिंजा की मौत हो चुकी है। उसे देख संजा जोर जोर से रोने लगी। नौरिया काफ़ी भावुक हो गई। दूसरी रात नौरिया ने तारो को टेक्स्ट करके मिलने के लिए बुलाया। शायद अब वो काम उसके साथ मिलकर करना चाहती थी। उसने संजा को भी टेक्स्ट किया और मिलने बुलाया, पर उसे मिकोवा ने पढ़ लिया क्योंकि संजा कमरे में नहीं थी। रात वो तारो से मिली। उसने तारो को गाड़ी लाने को कहा, वो वहाँ चलने पर सब बता देगी। तभी वहाँ आर्मी आ गई। उन्हें मिकोवा यहाँ लेकर आया था और दोनों को पकड़ लिया गया। रात वहाँ सेल में बॉलिन आया। उसने नौरिया को छोड़ दिया और यहाँ से भाग जाने को कहा, क्योंकि बॉलिन ने उसके पिता से वादा किया था कि वो नौरिया को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। उसने नौरिया को कैरिज A5 से ले जाकर वहाँ से निकल जाने को कहा। उसने उसकी फेक आईडी बना दी है जिसकी मदद से वो कैरिज A5 का एक्सेस कर पाएगी। नौरिया ने अपनी जैकेट चेक की, उसमें डिस्क नहीं थी। तभी तारो ने पीछे से आकर बॉलिन को चाकू मार दिया और बॉलिन की मौत हो गई। नौरिया ये सब देखती रह गई। तारो ने ऐसा क्यों किया उसे नहीं पता। वो नौरिया को नीचे के रूम में ले आया। वो काफ़ी डर रही थी कि तारो उसे भी न मार दे। उसने पूछा कि जल्दी बताओ वो केव कहाँ है, पर अब नौरिया उसकी सच्चाई जान चुकी थी। उसने शुरुआत से ही बस नौरिया का इस्तेमाल किया। उसने देखा कि डिस्क तारो के जेब में है। जब उसने डिस्क लेने की कोशिश की तो तारो ने उसे तोड़ दिया। उसने बताया कि जिसके पास पानी होता है उसके पास ताकत होती है। नौरिया उसके इरादे समझ गई। उसने तारो के सर पर जग से जोर का मारा और वो वहीं गिर पड़ा और कमरे में आग लग गई। नौरिया मौका देख खिड़की से भाग गई और वो कैरिज A5 में जाकर बैठ गई जिसका एक्सेस उसे बॉलिन ने दिया था। वो वहाँ से संजा के पास गई और अपने साथ चलने को राज़ी किया। वहाँ मिकोवा ने संजा को रोकने की कोशिश की, पर संजा ने कहा उसे जाना होगा सच का पता लगाने। पर नौरिया को ख्याल आया कि उसके पास तो डिस्क है भी नहीं, तो वो यूनिवर्सिटी जाकर करेगी भी क्या, इसलिए उसने जाने से मना कर दिया। उसने संजा को कहा कि तुम ट्रेन पकड़कर शहर चले जाओ, पर अगर नौरिया यहाँ रुकी तो वो लोग उसे मार देंगे। उसने कहा क्या पता लॉस्ट लैंड में साफ पानी हो जो हमसे छिपाया जा रहा है, और हमेशा से उन्हें गंदा पानी पीने को दिया गया। उस पानी पर लोगों का हक है। अगर वो पानी पीने लायक हुआ तो उन्हें एक बड़ा एविडेंस मिल सकता है। वहाँ से दोनों लॉस्ट लैंड में नॉर्थ की तरफ निकल गए, जिसका जिक्र उस डिस्क में साइंटिस्ट ने किया था। दो दिनों के लंबे सफ़र के बाद वो दोनों वहाँ तक पहुँच गए। वो एरिया मिलिट्री रिस्ट्रिक्टेड था, पर वहाँ कोई था नहीं। दोनों आगे बढ़ने लगे। काफ़ी देर ड्राइव करने के बाद उन्हें पहाड़ियों से घिरा हुआ एक लेक दिखाई दिया। वो उनकी सोच से काफ़ी बड़ा है। ये सब उनसे छिपाया जा रहा था। उस पानी को उसने डिवाइस में टेस्ट किया। वो पानी पूरी तरह से प्योर था। ये देख वो काफ़ी खुश हुई। वहाँ नौरिया ने लेक के साथ एक वीडियो रिकॉर्ड किया ताकि वो इस एविडेंस को यूनिवर्सिटी में पेश कर सके। तभी उन्हें पता चला कि तारो वहाँ मिलिट्री के साथ पहुँच गया है। नौरिया ने संजा को अपना डिवाइस दिया और कहा किसी तरह उसे बस उसकी माँ तक पहुँचा देना। दोनों आखिरी बार गले लगे। संजा वहाँ से चली गई। तारो वहाँ पहुँच गया। उसने बताया कि वो उसे जाने नहीं दे सकता क्योंकि वो सच जान चुकी है। तारो ने उसके बाद नौरिया को मार दिया। मरते वक्त उसकी आंखें भर आई थी। वो जानता था कि वो क्या कर रहा है। यहाँ संजा ने वो वीडियो लाकर नौरिया की माँ को दे दिया। उसकी माँ ने उस वीडियो को यूनिवर्सिटी में सबके सामने प्ले किया। हर किसी ने उसे अपने डिवाइस में रिकॉर्ड कर लिया और देखते ही देखते वो वीडियो आग की तरह फैलने लगी।
सभी को पता चल गया कि उनसे अब तक क्या छिपाया जा रहा था। आखिरी दृश्य में हम संजय को वहाँ से जाते हुए देखते हैं। क्या वो विलेज वापस लौट जाएगी या यहीं रहकर वाटर डिक्टेटर से अपनी लड़ाई जारी रखेगी। कहानी इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो गई। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।